नमस्कार दर्शक बंधु, क्लासिक ट्यूटोरियल तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँ मु अश्विन। आज आम युक्त तुई बाध्यतामूलक ओडियार साहित्यज्योति पुस्तक तृतीय कविता बंदीर विरह व्यथा संपर्क आलोचना करवा। सत्यवादी युगीय जो सब साधक थे से भितरे गोपबंधु दास होती अन्यतम। गोपबंधु दासंकर जन्म हुए पुरी जिल्लार स्वांड ठारे 1877 मसीह। पिलाटी दिन तुलसी द्वीपत्र बासिला भली तांको प्रतिभाटी जना पड़ुथिला। उच्च शिक्षा प्राप्त करी से आईन रे उत्तीर्ण हेले एवं आईन जीवी भावरे किछि दिन कार्य मध्ये तुलेथिले, किंतु तांको संतुष्ट लागि नथिला एवं से शिक्षकता को निज वृत्ति भाव ग्रहण कले। गांधीजी को आह्वान रे असहयोग आंदोलन समय रे से प्रथम ओडिशार ओडिया भाव रे प्रथमे जेल जाइथिले एवं ओडिशा प्रदेश कमिटी कांग्रेस कमिटी रो सभापति। एकाधार रे बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी होती सी, साहित्य समाज राजनीति एपरी कौनसी क्षेत्र ना जोठारे कि गोपबंधु दासंकर प्रवेश ना। गोपबंधु होचंती उत्कलर मणि मणि सदृश सी होचंती आम समस्त आपणार दासे आपणे। एमिती व्यक्ति विशेष आम जीवन भितर गुड़े दाग लगी थाए, किंतु गोपबंधु दासंकर एपरी एक व्यक्तित्व जहाँ कि दागटा एवं लगे से अनन्य प्रतिभा। तांकर सत्यवादी वन विद्यालय बकुल छोरिया नाकुंजरे जो जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा एवं से जातीय जागरण रो केन्द्रबिंदु थिले एवं आधुनिक ओडिशार नवनिर्मात भावरे सुपरिचित। गोपबंधु दास कर जो साहित्य सब से समय जो धर्मपद गो महात्म्य अवकाश चिंता नचिकेता उपाख्यान कारा कविता बंदीर आत्मकथा ये सबुठारे से भारतीय आदर्श भारतीय समाज र कथावस्तु ही छत्र छत्रे गढ़ी उठी। जमीती धर्मपद धर्मपद रे बारश बढ़ईर दाय ना जो जाति अस्मितार कथा समस्त जाति भाई को बचेवा एवं देशर स्थिति बा देशर विषय जनईवा एपरी जो त्यागपूत आत्मसर्गर कथा को अति सुंदर भाव धर्मपद पुस्तक वर्णना कर। ठीक से बंदी जितेबले सी बंदी जीवन जापन करुँचर दुईट साहित्य होता जोटा कि बंदीर आत्मकथा और अन्यटी हूँ कारा कविता। ता छड़ा से तांकर जोटा सत्यवादी नामक पत्रिका एवं समाज पत्रिकार अनेक प्रबंध लिखी जाइछन्ते। तो गोपबंधु जणे अनन्य आम समस्त दासे अति प्रिय दासे आपणे जणे सेवार प्रतीक एवं समाज सेवार प्रतीक से सब बेले कहते मानव सेवा ही माधव सेवा। से संबंधे जो विशिष्ट काव्य हूँ जोटा कारा कविता कारा कवितार अंश विशेष जोटा कि आम पढ़वा बंदीर विरह व्यथा। कवि गोपबंधु दास 1923 और 24 मसीह हजारीबाग जेल रे बंदी थी एक संध्या समय एवं संध्या समय प्रकृति देखी से अत्यंत भाव विहोल हो पड़ती से ही तांका कविताटी फुटी उठी एवं से कविताटी होची बंदीर विरह व्यथा। मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष छाड़ी पूर्व एवे तपन जीवे पश्चिम देश विदायर तेणु लगी आयोजन विस्तार ननारंग चंद्र आतपे आच्छादित अंबर। मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष ऋतुमानंक भितरे सर्वश्रेष्ठ ऋतु बा ऋतुराज होचि बसंत, तेणु से बसंत को मधुर बोली कवि कहउचंती। ए मधुर बसंत दिनटी शेष हेबाकू जाउची
अर्थात तपन वा सूर्यदेव पूर्व आकाशर पश्चिम आकाश को जाउचंती तेणु विदायर गोटे आयोजन लगी विदायर तेणु लगी आयोजन विस्तार नाना रंग चंद्र आतपे आच्छादित अंबर तो सूर्यदेव अस्त होगा जाऊँगी तेणु विदाय कालीन संवर्धना प्रकृति राज्य जहाँकि नाना रंग चंद्र आतपे आकाशरे सुंदर चांदुआ सदृश आच्छादित आकाशटी सुंदर देखा जाऊची एक लोभनीय बा मनोरम देखा जाऊची दले दले पक्षी गाती उच्चे करुण गान तरुगिरी छाया विस्तारी पदे करे प्रणाम तांक सिरे सूर्य दियंती हेम बरणी पाट अनुरक्त भृत्य मस्तके जथा बंधे सम्राट तरुगिरी छाया विस्तारी पदे करे प्रणाम सूर्यदेव जितेबले अस्त होवाकु जाउचंती ता विपरीत छाया सबुआड़े पड़ी समस्त तरु एवं गिरी तर छाया सते जेमिति तांको प्रिय सूर्यदेव पाखरे प्रणाम करुचंती सूर्यदेव मध्य समस्त मस्तक हेम बरणी पाट अर्थात हेम अर्थ सुना सुना रंगर पाट तांको मस्तक अनुरक्त भृत्य अर्थात तांको आज्ञाकारी भृत्यर मस्तक सते जेमिति सिरिपाबा पाट वस्त्र भिड़ुचंती अस्ताचल उच्च आसने बसी हसंती रवि प्राची अनुरागे रंजित चारु बदन छवि सूर्यदेव अस्ताचल अस्ता पश्चिम आकाशरे उच्च आसन रे बसी मंद मंद हसुचंती प्राची अनुरागे रंजित प्राची अर्थ पूर्व दिगरे जोठी पूर्व दिगरे से देखुचंती सेठिरे मध्य चारु वा सुंदर सुंदर छविटी उद्भासित होउची सूर्यदेव से आड़क देखुचंती प्राची अभिमुखे प्राची दिगकु मुह लंबई वा हाथ तंग कनक रूपक कर लंबई सेपटे देखुचंती प्रिया पाई कोमल आश्वास देखांती निज स्नेह आदर समीरण मृदु मर्मरी प्रेम अस्पष्ट गिर कहंती अचिरे फेरिबी धनी नुह कातर त समीरण मृदु मर्मरी प्रेम अस्पष्ट गिर प्राची को देखि सूर्यदेव प्रेमर अस्पष्ट गिर अर्थात निज प्रियतम को से प्रेमर बा मृदु समीरण रे अर्थात मृदु मंद मंद पवन रे से प्रेमर अस्पष्ट गिर कहउचंती कौन कहउचंती जानिच कवि केते सुंदर भाव रे वर्णना करउचंती अचिरे फेरिबी धनी एबे नुह कादर अचिरे शेषरे मु हे धनी हे प्रिय मु फेरिबी बोली कातर न हो मु निश्चित भाव रे प्रत्यावर्तन करिबी बोली प्राची को सूर्यदेव कहुचन अनुराग रंग प्रकाशे क्षणे प्राची कपोले ता मध्यरे किंतु विरह दुख कालीमा बोले अनुराग रंग प्रकाशे क्षणे प्राची कपोले जेतेबेले पश्चिम आकाशरे सूर्यदेव अछंती तार विपरीत दिगरे अर्थात प्राची कपाळरे बा पूर्व आकाशर कपाळ देशरे अनुराग रंग ठीक सेमती देखा जाउची सते जेमिति ता मध्यरे कौन होइची ना विरह दुखर कालीमा बोली जाइची बा कालीमाटी उद्भासित होउची कालीमाटी देखा जाउची रवि हासल लास्य प्रकटे गुरु विषाद रेखा अनुभवी नेत्रे केवल सिना जाए से देखा प्रकृतरे जे अनुभवी लोक से ही जानीपारे जे से प्रेमर जो विषाद रेखा जो प्रियजन प्रिय लोक को छाड़बार जो कष्ट विषाद अर्थ है दुख तो रवि जदि भी हसुचंती देखुचंती प्राची दिगकु किंतु प्राची मध्य देखुची से प्रियजन छाड़बार दुख व कष्ट को से उपलब्धि करुचंती विषाद रेखाटी सृष्टि होउची तो अनुभवी मात्रे ही अनुभवी नेत्र रे ही ताकु केवल देखा जाई परिबो आहा प्रियजन विरह की दारुण कषण प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ते तन आहा प्रियजन विरह की दारुण कषण
निज लोक को प्रिय लोक को छाड़ जो कष्ट आम पुरुष एवं नारीर जो प्रेम बा पति पत्नी प्रेम को आम प्रेम कह प्रेम समस्त थाए बाप झीओ बाप पु माँ पु समस्त आत्मीय भितर जो प्रेम थाए कि प्रियजन निज लोक को छाड़ जो दूर रहीबार जो कष्ट तो भारी कष्टकर होता है। ठीक से प्रकृति ठारे कवि देखुंपी से लिखुं आहा प्रियजन विरह कि दारुण कस के भयंकर के कष्टदायक सते प्रीति पासे बंधा जगते सर्व जड़ चेतन आम केवल मनीष नुहे समस्त जड़ एवं चेतन निर्जीव सजीव ए समस्त समस्ते एक प्रीति पासरे बंधा आम समस्ते परस्पर परस्पर परिपूरक ए सृष्टि ए संसारे आम समस्ते परस्पर को प्रीति रूपक पास बांधी ए विरह दृश्य दिय बंदी पराणे व्यथा पलके पलके पड़ई मने केते की कथा। कवि गोपबंधु दास से कारा प्रांगण भितर अच्छा ये प्रकृतिर ये दृश्य को सी अवलोकन करुंच देखुंती विरह दृश्य दिय बंदी पराणे से बंदी गोपबंधु दास प्राणी ए गभर आघात दे प्रकृतिर दृश्य को देखिकी ए विरह दृश्य जे प्रिय जे सूर्यदेव अस्तगामी होगाक जाऊँगी ए संसार को सी छाड़ जाऊँगी से उपलब्धि करजे भावुंती पलके पलके पड़ई मने केते की कथा कारण सुदूर ओडिशा छाड़ी प्रियजन अच्छे सी अच्छा हजारीबाग जेल भितर निज प्रिय लोक को छाड़बार जो कष्ट से मर्मे मर्मे अनुभव करवि गोपबंधु दास संभाल ए समय कौन हो संभाल टिके सिपाही चाबी नदी द्वारे प्रणय प्रभाव देखी क्षणे रही बाहर जेतेबेले कवि ए दृश्य को उपभोग करबा को जाउचंती देखुचंती मर्मे मर्मे अनुभव करुचंती से समय जेल रो सिपाहीटी आसी कौन करिछि ना चाबी दौछि जो फाटक अच्छे जो द्वार रो चाबी देबा को जाउछि हला संभाल टिकिए सिपाही चाबी न दियो द्वार कवि देखुचंती एवं सिपाही को कहउचंती भाई आउ टिके समय अच्छे मत यही दृश्य देखापा टिके सुजोग दियो एबी सूर्य अच्छा अस्त होना संभाल टिके आहुरी टिके अपेक्षा कर चाबी नदी द्वारे बोली कवि अनुरोध करुंच सिपाही को प्रणय प्रभाव देखी क्षणे रही बाहर मुझे प्रणयर जो प्रकृतिर जो विरह जो प्रेम एवं तज्जन से दृश्य को मुझे अवलोकन करी आहुरी टिके देखी से प्रणय प्रभाव को देखी क्षणे रही बाहर कारण जेल प्रकोष्ठ को गले आउ देखी हेनी तेणु मु बाहर थी ताको मु देखी तेणु अनुरोध करणय पियुषे मिशि किया विरह विष विश्ववासी प्रति विचित्र एक विधि आशीष प्रणय रूपक पियुषरी देख एटी अच्छे प्रणय प्रणय रूपक पियुष एवं विरह को विष सहित तुलना कर प्रेम अच्छी तार विपरीत विरह मध्य अच्छी सुख अच्छी दुख अच्छी संसार रे के भी गोटे जिनस को उपभोग करि हुए ना यह हूँ विधि विधान तेणु कवि कहते प्रणय रूपक पियुष पियुष मान है अमृत एवं विरह को विष सहित तुलना करेणु समस्त जड़ एवं चेतन माने मध्य प्रेम एवं विरह उभय को उपभोग करेणु से प्रकृति ठारे देखला निजक से समवेदना निज कथा से भावुंट विश्ववासी प्रति विचित्र एक विधि आशीष यह विधि विधाता आशीष यह समग्र विश्ववासी यह ग्रहण करती भोगापी पड़ी थाए यह विधि आशीष सुंदर गोटे सुंदर उदाहरण देवाक जाऊँगी कवि सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अही विपरीत स्थिति रहस्य के पारिव कही तो सुंदर सरोज माने हला पद्म
पद्म पुष्करिणी फुटी थाए के सुंदर देखा जाए से सरोज सरोज मान है पोखरी जी जात अर्थात पद्म चरणे किंपा जड़ित सुंदर पद्म पोखरी सुंदर ढड़ल हो थाए जे कि आम जातीय पुष्प पद्म से पद्म मान फूलर तले कौन थी ना साप जड़ित थाए से विषधर भयंकर सर्प से थाए सुंदर सरोज चरणे पादरे से पुष्पर तले साप जड़ित थाए विपरीत स्थिति रहस्य किए कर तो यह हूँ विश्वर एक विचित्र कथा विपरीत कथा यह समग्र विश्व को भल भाव देखिले अनुभव कले जाणि हुई थाए तो एठीरे कवि जो कहते प्रियजन प्रिय स्थान मु छाड़ी बंदी एठारी मुगर आउ थे मन पक दिए गोपबंधु दास होती ओडिशारु सुदीर बिहार हजारीबाग जेल रे 1923 आउ 24 दि वर्ष कारावरण करते तो से समय जो ओडिशा जो प्रियजन लोक को देखिवार जो कष्ट जो वेदना को से उपलब्धि करुंती कहते प्रियजन प्रिय स्थान मु छाड़ी एटी बंदीशाला बंदीर जो निबू जो कोठरी भितर मुझे तो प्रियजन को न देखिवार दुख के कष्टदायक से प्रकृति को देखी से अनुभव करुंती तेणु विरह विषम विषम मन पुराण कारे तक गोटे सुंदर पंक्ति विरह विषम विष विरह रूपक विषम समर विपरीत है विषम विष अर्थात विषसदृत मो मन भितर अत्यधिक घारूची बा भावुची से कथा को तो विश्व प्रकृति रे देखिले समहृद वेदना तापित अंतरे आसीब अबा क्षणे स्वांतना विश्व प्रकृतरे तो कवि कहते निजे देखुंट तो ये विश्वर प्रकृति को देखिले मन भितर शांति आसुची कवि उपलब्धि करुचिया नुहे मो भली संतुनियार व विश्वर समस्ते जे यही दीटा जिनस को भोग करने को पड़ी थाए कि तो जी प्रकृति को भल भाव देखिले जानवा को मिली थाए जे यही प्रकृति ठारे देखिले निज हृदय भितर गोटे सांत्वना मिले टिके समवेदनाटा मिली थाए जहाँ से उपलब्धि करुचंते एवं से जो भावुला समय कौन हो रह 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 आउ दंडे सिपाही किंपा कर कटाल ए समय सिपाही पुल प्रवेश करुची कटाल करुची चाबी देवाई कहते चल भितर को चल टाइम हो गला समय हो गला भितर को चल दंडे सिपाही किंपा कर कटाल कक्षी अवरोध समय परा गोधूली बेल तो बर्तमान गोधूली बेल गोधूली माने संध्या समय देखिबो जेतेले गाई माने लेउटाणी आसंती संध्या समय हे गलाणी बेल माने सनसेट बा सूर्यास्त हेबाकु जाउची कक्षी अवरोध कक्ष माने जो प्रकोष्ठ भितर अवरोध हेबार समय टी बर्तमान उपगत होइची तेणु से जेल रो सिपाही टी कोन करूची ने कहूची भितर को चालो समय पर हे गलाणी गोधूली काल देख रत रत हुई रवि एवे गौन तो ये कहते देख रत रत कवि से जो दृश्य को जो देखुवे से समय जो कटा करुच्ची से समय कहते दे देख बेल रत रत बर्तमान सूर्यदेव आकाशे अच्छा उपस्थित अच्छी आउ बर्तमान संपूर्ण रूपे अस्त हो नहांती रत रत अवस्था को जाऊँगी बुड़ा बुड़ा अवस्था को जाऊँगी देख एवे गगने व आकाशे देख आउ टिके मु बुलिबि एथि कारा प्रांगणे मते टिके दयाकरी टिके दियो समय मु ए कारा प्रांगणे जेल रो जो प्रांगण अच्छी जो अगणा अच्छी से अगणा भितर मु टिके ए दृश्य को टिके अवलोकन करिबि आउ टिके मु देखिबि जमदुप्त हृदय करुणा काहू बसिब तिले अधिक न कही मर्यादा जगी पशिबि बिले तो से समय जमजूत सदृश जो सिपाहीटी तार हृदय कठिन सत्य कि जमकर दूत भाया से काहू बुझे कवि भावना को कवि वेदना को कवि मानसिकता को तेणु जमदूत हृदय करुणा जमदूत जमी कठोर थाए से संपूर्ण झिंकी उठा पुराण में पड़ी जो जीव को से मैंने दौड़ी बांधे घुसारे घुसारे निने कि छाणती ना ठीक से भाया से तार सिपाहीटी कौन करुच्ची नाई
मना करुच्ची तेणु जमदूत हृदय करुणा से जमदूत रूपी से सिपाही मन भितर करुणा काहीं जाग्रत हेब तेणु ताम तिले तिले अर्थ टिकिए टिकिए करुणा ना अधिक न कही मर्यादा जगी पशी बिले जदि अत्यधिक कह भी निजर मर्यादा हानि हे हाँ से लोक किसी बुझे ना तेणु निजर मर्यादा को जगि कवि कौन कले बिले बिले माने कौन जे जेल रो छोटिया प्रकोष्ठ बिल अर्थ से गात जोटा कहवा कथा कितु ये बिल माने निज छोटिया बंदी प्रकोष्ठ कथ कह जाए तो अधिक न कही निजर मर्यादा क्षुर्ण हेब कही से कौन कले ना प्रकोष्ठ भितर को पशिगले यहाँ एक कवितार टोटाल विषय वस्तु तो निश्चित रूपे कवि वर्णना करिसंती बंदीर विरह व्यथा ठारे जहाँकि बाहर जो दृश्य प्रकृतित दृश्य को बाह्यटा को निज अंत प्रवृत्ति निजर अंत भीतर को भावी समवेदना करती प्रिय लोकों ठारे छाड़ दुख एक कवित अत्यंत हृदयस्पर्शी हो पारे नमस्कार। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगी याकु लाइक करूँ शेयर करूँ एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार।